हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। आज हम जेड से करने वाले हैं क्रिएटिविटी। मैंने पहले भी एक इंस्टेंट बोनसाई बनाने का तरीका आपको बताया था। अगर आप बिगनर्स हैं और चाहते हैं जल्दी से आपका बोनसाई बन जाए तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए जेड के लंबे लंबे स्टेम्स हमें सेलेक्ट करने हैं। मेक श्योर कि सारे ही स्टेम हेल्दी होने चाहिए और थोड़े से थिक होने चाहिए ताकि हम इंस्टेंट बोनसाई से बना सकें। पहला, अगर वीडियो आपने मिस कर दिया है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह से मैंने लंबे लंबे स्टेम जो लगभग 8 इंच के हैं वो ले लिए हैं। नीचे की तरफ से 3 से 4 इंच तक का हम स्टेम क्लीन करेंगे ताकि हम उसका जो स्टेम है वो एक बोनसाई की तरह दिखा सकें और डेवलप कर सकें। तो नीचे की तरफ से 4 से 5 इंच तक की सारी जो स्टेम्स हैं वो सारी जो लीव्स हैं वो हम हटाकर क्लीन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 कटिंग ली हैं, आप इतनी ही कटिंग लीजिए। और सारी जो मैंने कटिंग है वो तैयार कर ली है, नीचे से क्लीन कर ली। अब मैं इनको इक्वल करूँगी, यानी नीचे से इनको एक जैसा एक सा रखूँगी और उसके बाद हम इसको थ्रेड से या किसी भी चीज़ की सहायता से बांधेंगे। आप यहाँ सूतली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर रील वाला धागा जो कॉटन का होता है वो इस्तेमाल करूँगी। और मैं इसको यहाँ पर 2 जगह से बांधूँगी, एक थोड़ा नीचे से और एक बिल्कुल ऊपर से, ताकि यहाँ पर स्टेम्स अच्छे से दिखें। तो अब ये मेरा तैयार है। आप यहाँ पर सूतली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या किसी नॉर्मल थ्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 ही जगह से बांधिएगा, इससे अच्छा लुक क्रिएट होगा। मैंने यहाँ प्लांटर ले लिया है जिसमें नॉर्मल मिट्टी है, थोड़ा सा सैंड मिला लीजिए ताकि अच्छे से ड्रेनेज हो सके। इसकी अच्छे से गुड़ाई करने के बाद हम इसको इसमें प्लेस करेंगे। जब भी आप प्लेस करें ध्यान रखिएगा कटिंग से ही आप इसको फोर्सफुली होल ना बनाएं। मैंने यहाँ पर होल बना लिया है, किसी लकड़ी की सहायता से बना सकते हैं, किसी टूल की सहायता से बना सकते हैं। उसके बाद इसको आराम से हम इसमें यहाँ पर स्टैंड करेंगे और उसके बाद पूरी मिट्टी को अच्छे से दबा दबा कर इसको सेट कर लेंगे। मिट्टी दबाने से आप इसकी एयर पॉकेट्स हट जाएंगी सारी। जब एयर पॉकेट्स हट जाएंगी तो प्लांट अच्छे से काम करेगा, रूटिंग अच्छे से होगी। और इसको इस तरह से दबा कर रखें ताकि ये हवा से या पानी से ख़राब ना हो। पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो इसको पानी दे देंगे। पानी मिट्टी इस तरह से बनी होनी चाहिए ताकि पानी ठहरे नहीं, पानी दें और पानी नीचे से पूरा अच्छे से निकल जाए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी आप इसको लगाएं इस तरह का ध्यान रखें कि इसको निकालने के बाद चेक नहीं करना है आपको कि इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। आप इसको इसी तरह से रखेंगे। तो लगाने के कुछ समय के लिए हम इसको शैमी शेड में प्लेस करेंगे क्योंकि गर्मियाँ होने लग गई हैं। थोड़ा सा इसको ट्रिम कर लेते हैं ताकि एक अच्छा सा शेप निकल कर आए। तो मैं यहाँ से 2-2 इंच तक की इसको ट्रिम कर लेती हूँ, इससे नई नई शूट्स भी निकलेंगी और प्लांट जो है वो बुशी भी होगा। अभी आपको लग रहा होगा बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है, 1 महीने के अंदर अंदर ही ये बहुत ही सुंदर शेप ले लेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। नीचे से स्टेम्स की मोटी दिख रही है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह से आप इंस्टेंट बोनसाई बना सकते हैं। ये बोनसाई बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये बोनसाई मैंने 6 महीने पहले बनाया था और आप इसको देख सकते हैं ये कितना सुंदर दिख रहा है और कितना घना हो गया है। नीचे की तरफ से भी इसके स्टेम काफ़ी मोटे हो गए हैं। तो ये इंस्टेंट बोनसाई है और 1 साल के अंदर अंदर ही ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करो।